गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो मैं आपको हिंदी का पार्ट 5 रीड करवा रही हूँ, काम की बातें। अपने जीवन में 3 बातों को प्रधान देता हूँ। पहला है उद्योग। अपने देश में आलस्य का भारी वातावरण है, यह आलस्य बेकारी के कारण आया है। शिक्षित का तो उद्योग से कोई संबंध ही नहीं रहता, जहाँ उद्योग नहीं वहाँ सुख कहाँ। मेरे मत से जिस देश से उद्योग गया, उस देश का भारी घुन लगा समझना चाहिए। जो भी खाना खाता है उसे उद्योग तो करना ही चाहिए, फिर वो उद्योग चाहे जिस प्रकार का हो। ठीक है, उद्योग मतलब होता है मेहनत करना, अपने मेहनत से काम करके। जो उद्योग नहीं करता, जो मेहनत नहीं करता, उसे कभी भी सुखी नहीं होता। तो 3 बातें इसमें आपको बताई जाएंगी। पहला, आपको उद्योग के बारे में बताया गया है कि बिना उद्योग के बैठना काम की बात नहीं है। जिस घर में उद्योग की शिक्षा नहीं है, उस घर के लड़के जल्दी घर का विनाश कर देते हैं। संसार पहले ही दुखमय होता है। जिस संसार में सुख माना है, तो समान भ्रम में और कौन होगा। रामदास जी कहते हैं, मूर्ख मान जी परम मूर्ख, जो संसारी माने सुख, वह मूर्खों में सबसे अधिक मूर्ख है जो मानता है कि संसार में सुख है। मुझे जो भी मिला वो दुख की कहानी सुनाता ही मिला है। मैंने तो कब से समझ लिया, बहुत विचार अनुभव हुआ, निश्चय हो गया कि ऐसे संसार में जरा सुख में बनना हो तो उद्योग के सिवा दूसरा कोई इलाज नहीं है। गेटे नामक कवि का एक काव्य है कि जिसमें उन्होंने एक स्त्री का चित्रण किया। वह स्त्री शोक पीड़ित और दुखित थी, अंत में उसे तकलीफ संभाली। कवि ने सिखाया, तकलीफ से सांत्वना मिली। मैं इसे मानता हूँ कि स्त्रियों के लिए बहुत ही उपयोगी साधन है। ठीक है, मनुष्य को कभी खाली नहीं बैठना चाहिए। आलस्य के समान दूसरा कोई दूसरा शत्रु नहीं है। किसी को नींद आती है तो सो जाए, इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन सो के उठने पर भी आलस्य में नहीं बिताना चाहिए। इस आलस्य की वजह से हम दरिद्र हो गए हैं, परतंत्र हो गए हैं। ठीक है, इससे हमें उद्योग की ओर झुकना चाहिए। दूसरा धुन है, वो है भक्ति मार्ग। ठीक है, पहला क्या है उद्योग, दूसरा क्या है भक्ति मार्ग। बचपन से ही मेरे मन में यदि कोई संस्कार पड़ा तो वह भक्ति का। उस समय मुझे अपनी माता से शिक्षा मिली, आगे चलकर आश्रम में दोनों भक्ति प्रार्थना करने की आदत पड़ गई, इसीलिए मेरे अंदर भक्ति भाव भी खूब आ गई। ठीक है, इसके लेखक कौन है, विनोबा भावे, कहानी सुना रहे हैं। भक्ति का अर्थ ही ढोंग नहीं है, और उद्योग छोड़कर झूठी भक्ति नहीं करनी। दिन भर उद्योग करके शाम को अंत भगवान का स्मरण करना चाहिए। ये नहीं कि दिन भर पाप करके झूठ बोल के से करके प्रार्थना करना। सत्काम करके दिन में सेवा बिता के सेवा शाम भगवान को अर्पण करनी चाहिए। हमारे हाथों से अनजाने में पाप को भगवान की क्षमा करता है। पाप हो जाए तो उसका पश्चाताप शीघ्र होना चाहिए। ऐसों के पाप ही भगवान माफ करता है। प्रतिदिन 15 मिनट क्यों ना हो, सबको, बच्चों को, बड़ों को, इकट्ठे होकर प्रार्थना करनी चाहिए। जिस दिन प्रार्थना ना हो, उस दिन व्यर्थ गया समझना चाहिए। मुझे तो ऐसा ही लगता है। सौभाग्य से मुझे अपने आसपास भी ऐसी मंडली मिल गई जिससे मैं आपका भाग्यवान मानता हूँ। ज्ञानदेव ने लिखा है, भगवान कहते हैं, यदि मैं योगियों के हृदय में ना मिलूँ, सूर्य में ना मिलूँ, कहीं भी ना मिलूँ, जहाँ कीर्तन नाम घोष चल रहा वहाँ जरूर मिलूँगा। लेकिन यह कीर्तन कर्म करने, उद्योग करने के बाद ही करने की चीज़ है, नहीं तो वो ढोंग हो जाएगा। मुझे इस प्रकार के भक्ति मार्ग की धुन है। तीसरा एक और धुन है, वो है सबके काबू की चीनी होती, वो चीज़ है खूब सीखना और सिखाना। जिसे जो आता है दूसरे को सिखाए, और जो सीख करके उसे वही सीखे। इसके सिर्फ सिखाने से ज्ञान का आदान प्रदान होता है, साथ ही बुद्धि का विकास होता है। उद्योग भक्ति तो सभी सबसे बन सकती है, उससे करनी चाहिए। उस उद्योग के सिवाय मुझे दूसरा कोई सुख उपाय नहीं दिखाई देता, सुख का उपाय। ठीक है, यानी 3 बातें आपने कौन कौन सीखी है, उद्योग करना, भक्ति करना, और खूब सीखना और सिखाना भी। ठीक है, तो ये आज रीडिंग हो गई है। आज इसके वर्ड मीनिंग कर लेना कॉपी में। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर बुक एक्सरसाइज करेंगे। ओके।